गाइडरिया पे रियलमी 8 प्रो जो हमें मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग तक देखने को मिल सकती है, ऐसी यहाँ पे लीक्स आ रही है। यहीं पे रियलमी 17 प्रो जो हमें 4 फरवरी 2021 के अंदर फाइनली इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भैया काफ़ी सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि रियलमी 17 को परचेज़ कर लिया जाए या फिर रियलमी 8 प्रो के लिए वेट किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे यूजर है जो कि रियलमी 8 प्रो के रिगार्डिंग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ जो कि रियलमी 8 प्रो के रिगार्डिंग काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि रियलमी की जो नंबर सीरीज है वो पहली तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, दूसरी चीज़ की वो हमारे बजट रेंज के हिसाब से देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें कई सारे फीचर कई सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं जो कि हम एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन के ऊपर दिए जाते हैं। यहीं पर अगर रियलमी 17 प्रो की बात करें तो ये भी स्मार्टफोन एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होगा, काफ़ी सारे अपग्रेडेड फीचर के साथ हमें देखने को मिलेंगे, बट इसकी जो प्राइस है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। बट मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूं कि 26 to 27K के अंडर ये जो स्मार्टफोन है ये हमें देखने को मिलेगा, और शायद इससे कम प्राइस हमें देखने को ना मिले, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो हम ऐसे ही देखने को मिल रही है, जिसकी जो प्राइस है वो 26 to 27K के अंडर हमें देखने को मिले। यहीं पे रियलमी 8 प्रो के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लीक्स और रूमर्स आ रही है कि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो हमारे बजट रेंज के हिसाब से होगी, आई मीन 20 to 22K के अंडर ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है कुछ दिन वेट करने के बाद। तो आप लोग इसलिए भी रियलमी 8 सीरीज का वेट कर सकते हो। और अगर हम लोग रियलमी 8 प्रो के रिगार्डिंग वेट करते हैं तो क्या कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगा रियलमी 17 प्रो से, तो चलिए हम लोग बात करते हैं रियलमी 17 प्रो में हमें क्या कुछ फीचर देखने को मिल रहे हैं और रियलमी 8 प्रो में हमें क्या कुछ फीचर देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो या फिर आगे पसंद आती है तो प्लीज़ सर इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, और चलिए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो बात करें यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट साइड डिस्प्ले की, तो रियलमी 17 प्रो के अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिला है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। यहीं पे रियलमी 8 प्रो के रिगार्डिंग लीक्स आ रही है कि भैया यहाँ पे भी हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड हमें देखने को मिल सकता है 8 प्रो के अंदर, लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा क्योंकि आगे कुछ चीज़ों पर अपग्रेड किया जाएगा। सो बात करें यहाँ पे फ्रंट साइड कैमरे की, तो रियलमी 17 प्रो के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल की पंच होल कॉर्डर के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पर रियलमी 8 प्रो के रिगार्डिंग लीक्स आ रही है कि यहाँ पर भी भैया हमें पंच होल कॉर्डर के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। तो फ्रंट कैमरे को लेकर हमें कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। यहीं पे अगर बात करें दोनों स्मार्टफोनों के रियर कैमरे की, तो रियलमी 17 प्रो के अंदर हमें बैक पे क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिला है, जिसका मेन सेंसर वही 64 मेगापिक्सल की होगी। लेकिन भैया अगर हम लोग रियलमी 8 प्रो का वेट करते हैं तो शायद हमें इस बार नंबर सीरीज के अंदर, क्योंकि नंबर सीरीज के अंदर हमें कई सारे स्मार्टफोन देखने को मिले जहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल की ही मेन सेंसर का सपोर्ट दिया गया, तो शायद इस बार 8 प्रो के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल की मेन सेंसर का सपोर्ट दिया जाए। तो इसलिए भी हम लोग रियलमी 8 प्रो का वेट कर सकते हैं। यहीं पे अगर बात करें प्रोसेसर एम1 चिपसेट की, तो यहाँ पे रियलमी 17 प्रो के अंदर में डायमेंसिटी 1000 प्लस की जो 5G चिपसेट है वो हमें देखने को मिली है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। लेकिन भैया रियलमी 8 प्रो के अंदर भी हमें एक 5G चिपसेट का ही सपोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि रियलमी की तरफ से इस 2021 के अंदर जितने भी स्मार्टफोन आने वाले हैं वो सभी 5G सपोर्टेड होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हमें एक 5G चिपसेट का ही सपोर्ट दिया जाएगा, और नंबर सीरीज के अंदर जो प्रो वेरिएंट होता है वहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से ही चिपसेट का सपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लीक्स आ रही है कि रियलमी 8 प्रो के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 750G की जो 5G चिपसेट है वो देखने को मिलेगी। तो ये एक पावरफुल 5G चिपसेट है जो कि आपके बजट रेंज के हिसाब से देखने को मिलेंगे। तो ये एक बजटेड पावरफुल 5G चिपसेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से जो कि हमें रियलमी 8 प्रो के अंदर देखने को मिलने वाला है। हालांकि डायमेंसिटी 1000 प्लस के चिपसेट से एंटूटू बेंचमार्क स्कोर में थोड़ा सा लो है, लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा। और ये भी चिपसेट 7nm के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। यहीं पे अगर बात करें बैटरी एमएच की, तो रियलमी 17 प्रो के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिला है विद 65W सुपर डार्ट चार्जिंग के साथ। यहीं पे अगर बात करें रियलमी 8 प्रो की, हालांकि रियलमी 8 प्रो की रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है बैटरी की रिगार्डिंग, बट मैं आपको बता दूं कि रियलमी 8 प्रो के अंदर ऐसी लीक्स आ रही है कि यहाँ पे भी हमें 4500mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट इसे चार्ज करने के लिए हमें 50W की ही चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। क्योंकि देखो कुछ चीज़ों पर डाउनग्रेड किया जा रहा है तो कुछ चीज़ों पर अपग्रेड भी किया जा रहा है। जिस चीज़ पर डाउनग्रेड किया जा रहा है उससे प्राइस कट करके जिस चीज़ में अपग्रेड किया जा रहा है उसमें ऐड किया जा रहा है। और रियलमी यहाँ पे इतना बेवकूफ़ नहीं है कि भैया रियलमी 17 प्रो में जो हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिले
वो सभी स्पेसिफिकेशन हमें रियलमी 8 प्रो के अंदर भी देखने को मिल जाए, प्लस 108 मेगापिक्सल का भी सपोर्ट हमें 8 प्रो के अंदर देखने को मिल जाए, और उसकी प्राइस भी रियलमी X7 प्रो से कम हो, तो ऐसा रियलमी बिल्कुल भी नहीं करेगी। कुछ अपग्रेड हमें X प्रो के अंदर देखने को मिलेंगे, तो कुछ डाउनग्रेड हमें रियलमी 8 प्रो के अंदर देखने को मिलेंगे, और कुछ अपग्रेड हमें रियलमी 8 प्रो के अंदर देखने को मिलेंगे, तो कुछ डाउनग्रेड हमें रियलमी X प्रो के अंदर देखने को मिलेंगे, ताकि रियलमी के जितने भी फैंस हैं उन्हें किसी एक फ़ोन को परचेज करने में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें दोनों स्मार्टफोन के ऊपर देखने को मिलेंगे। और हाँ, रियलमी X7 प्रो के अंदर हमें 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, जबकि हमें 8 प्रो के अंदर ये शायद 3.5mm जैक का सपोर्ट दिया जाए, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग 8 सीरीज का वेट कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे फाइनली कि आपको रियलमी X7 प्रो को परचेस कर लेना चाहिए या फिर रियलमी 8 प्रो के रिगार्डिंग वेट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, आपकी बजट अगर 30,000 के अंदर है, लाइक 26-27,000 तक, तो आप लोग बेझिझक होकर रियलमी X7 प्रो को परचेस कर सकते हो। अगर आपकी बजट 20,000 के अंदर या फिर 21,000 तक है, तो आप लोग रियलमी 8 सीरीज के रिगार्डिंग वेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन ये हमारे बजट रेंज के हिसाब से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी हमें वही सभी फीचर देखने को मिलेंगे जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के ऊपर दिए जाते हैं। अब आपकी ओपिनियन क्या होती है आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग भी आप लोग कमेंट करके बता देना, एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।